ठीक है, जम्मू कश्मीर दौरे में बदलाव, दोनों नेता पहले जम्मू न आकर कश्मीर का करेंगे दौरा। आज नई दिल्ली से श्रीनगर जाएंगे खड़गे और राहुल। भाजपा की सियासी चाल की राजनीतिक गलियारों में चर्चा, राम माधव को फिर से जम्मू कश्मीर में सौंपी गई जिम्मेदारी, राम माधव भी बनाए गए भाजपा के जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी। टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे भाजपा नेता, सुनील शर्मा को किश्तवाड़ के बजाय भाई पाडर विधानसभा, किश्तवाड़ विधानसभा से कई नेता जता रहे दावेदारी। अपनी पार्टी ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र, घोषणा पत्र में युवाओं के लिए विशेष पैकेज का वादा, राज्य का दर्जा बहाल करवाने की भी पार्टी ने की बात। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता पहले जम्मू न आकर कश्मीर जाएंगे और फिर वहां से जम्मू आएंगे। बता दें कि कांग्रेस के अगर सूत्रों की मानेंगे, कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक ये दोनों नेता आज शाम को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेंगे और वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद कल यानी कि वीरवार को 22 अगस्त को 1 बजे तक जम्मू पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के इस दौरे से जहां प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा को मजबूती मिलेगी, वहीं पर कांग्रेस की अंतर्कलह भी दूर हो सकती है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक और बदलाव कांग्रेस में देखने को मिला है, दो जो बड़े नेता यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे थे, पहले बताया जा रहा था कि वो जम्मू आएंगे लेकिन अब वो कश्मीर जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? हाँ शिपन, थोड़ा सा रिशेड्यूल किया गया है प्रोग्राम। वैसे आज उनको डायरेक्ट जम्मू में आना था और यहीं पे बिल्कुल हमारे ऑफिस के बैक साइड सेलिब्रेशन एक बैंकेट हॉल है, वहाँ पे उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, लेकिन देर रात हरियाणा में कोई मीटिंग के चलते इसमें रिशेड्यूलिंग की गई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के और साथ साथ में LOP लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, वो सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, क्योंकि श्रीनगर जाना इसलिए भी जरूरी है कि पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने हैं और अलायंस को भी अंतिम रूप देना है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस चल रहा है या उस पर बातचीत चल रही है उस पर को भी अंतिम रूप देना है। तो ये पहले कश्मीर में जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बड़े नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनसे भी मुलाकात करेंगे। ये भी बताया जा रहा है, जराया सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि PDP को भी इस अलायंस का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर सहमत नहीं है। तो सारी एक्सरसाइज आज कश्मीर में होगी और कल वो जम्मू में आकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। जी शिपन, विनोद जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस चाहती है कि NC और PDP उसके साथ अलायंस करे, क्या इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ पुष्टि की गई है कि NC जो है वो पक्के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के साथ जाने वाली है? देखिए, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप बयान देखेंगे, उमर अब्दुल्ला ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था उस बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे अलायंस की संभावनाएं प्रबल हैं। और दूसरी ओर तारिक हमीद करा जैसे ही जम्मू पहुंचे या पहली बार वो कश्मीर में श्रीनगर में जब कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली किसी भी राजनीतिक दल से, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो समझौता कर सकते हैं, प्रीपोल अलायंस कर सकते हैं। तो इसलिए आधिकारिक पुष्टि में अभी कुछ बकाया नहीं रह जाता है, क्योंकि दोनों बड़े नेताओं ने अलग अलग जगहों पर अपने बयान में इस बात की तस्दीक की है कि वो अलायंस के सहारे ही इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर में आने से, जम्मू के पार्टी कैडर से मिलने में और वहीं पर कश्मीर के पार्टी कैडर के मिलने से कितनी मजबूती यहाँ कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मिल सकती है? विनोद जी, देखिए, इनके आने से एक बड़ी बात ये भी है कि जो लोग अपनी अपनी जमातों से नाराज हैं, अनॉयड हैं, जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं,
उनको भी उनसे भी चर्चा की जाएगी और वो भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि राहुल गांधी के सामने उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, हो सकता है बाद में ज्वाइन करवाया जाए। और पार्टी की मजबूती की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपके बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर LOP जब आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कैडर यूनाइट होता है, कैडर यूनाइट होता है तो पार्टी मजबूत होती है। जी शिवपाल, विनोद जी, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ हटकर कर सकती है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी रहा, जहां पर अगर हम इन्फ्लेशन को लेकर देखें, बेरोजगारी को लेकर देखें, तो क्या कुछ हटकर कांग्रेस पार्टी कर सकती है ताकि लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सके? देखिए, अभी जब कांग्रेस पार्टी अपना जम्मू कश्मीर को लेकर के मैनिफेस्टो जारी करेगी, उस मैनिफेस्टो से पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के रोड मैप में नई चीज क्या है, तब ये स्पष्ट हो पाएगा। अभी से ये क्या अपना, हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, या फिर बेरोजगारी है, या फिर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रिक्रूटमेंट को लेकर के उसमें धांधलियाँ हुई, इन सब पर चर्चा तो होगी होगी, लेकिन असल तब पता चल पाएगा जब रोड मैप क्लियर होगा। जी जी पर यहाँ पर आखिरी सवाल विनोद जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम 10 साल के अंतरकाल के बीच में देखें तो काफी सारे नए चेहरे जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और कुछ पुराने चेहरे छोड़कर भी गए, तो क्या लगता है कि चेहरे रिपीट किए जाएंगे, कुछ युवाओं को मौका दिया जाएगा? ये सियासत का दस्तूर रहता है। पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि कितने राजनीतिज्ञ जो अपने आप को कट्टर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ मानते थे, उन्होंने पार्टियों को छोड़ा है। चाहे आप अपनी पार्टी की बात कर लें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर लें, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की बात कर लें, तो ये दस्तूर रहता है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं, ये लोग एक दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के बना रहता है। लेकिन अब कांग्रेस जो है मजबूती की दिशा में चल रही है। ठीक है विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी जानकारी लेंगे। जहां पर विनोद जी अपडेट कर रहे थे, जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मजबूती पाने के लिए 2 बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे थे, जहां पर अब ये बताया जा रहा है कि रीशेड्यूल किया गया है। पहले ये बताया जा रहा था कि वो पहले जम्मू आएंगे, फिर वो श्रीनगर की तरफ प्रस्थान करेंगे, लेकिन अब उनका जो दौरा है उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि आज शाम को वो पहले श्रीनगर पहुंचेंगे, उसके बाद वीरवार को वो जम्मू की तरफ पहुंचेंगे, जहां पर कि तमाम जो पार्टी कैडर है, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात की जाएगी और रणनीति जो है वो असेंबली इलेक्शंस को लेकर निर्धारित की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर असेंबली इलेक्शंस विधानसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पत्ता यहां पर फेंका है, उसकी सियासी गलियारों में चर्चा होना शुरू हो चुकी है। भाजपा ने यहां पर धुरंधर नेता राम माधव को भी और साथ ही साथ जी किशन रेड्डी के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया, और ये वही राम माधव है जिन्होंने 2015 में पहली बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भाजपा की सरकार बनाने की पटकथा लिखने का काम किया था। भाजपा ने उनके अनुभवों के आधार पर उन्हें दोबारा जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि राम माधव दोबारा यहां पर मिलकर किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे और कितना बड़ा रोल उनका यहां पर रहने वाला है और इस जिम्मेदारी पर वो कितना खरा उतर पाते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। एक बार फिर से विनोद जी हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बड़ी जिम्मेदारी यहां पर राम माधव को एक बार फिर से दी है, कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? चुनाव में राम माधव की एक अहम भूमिका रही है, और 2014 के चुनाव में जिस तरीके से राम माधव ने अपनी भूमिका निभाई है और जिस तरीके से गठबंधन बनाया है, वो अपने अनुभव का प्रयोग कर देते हैं। रही बात जी किशन रेड्डी की, वो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी प्रयास किया है, उन्होंने भी पार्टी को गहनता से देखा है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे उन्होंने नज़र दौड़ाई है। 1 और 1 11 भी होते हैं और 1 2 होते हैं। अब 2 अगर होंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी परिपक्वता के साथ वो काम कर पाएंगे। काम करने का असल मकसद यही रहता है कि आपने उम्मीदवारों का चयन अच्छे से करना है, उम्मीदवार आपके अच्छे हों। वैसे भी उन्होंने कहा कि 90% नए चेहरे दिए जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है राम माधव के आने से पार्टी को बेनिफिट जरूर होगा। विनोद जी, लोगों को काफी इंतजार है कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करे ताकि लोग देख सके कि आखिरकार बीजेपी किन मुद्दों पर वर्क करना चाहती है इन असेंबली इलेक्शंस में, तो क्या लगता है कि इलेक्शन कमेटी जो है, मैनिफेस्टो कमेटी, वो किस तरीके से काम कर रही है अभी? देखिए, अंतिम चरण पर है, ऑलमोस्ट फाइनल ही है, 1-2 जो त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त करना है
और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। और आज अपनी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात की थी, इन्होंने 300 कर दिया है। तो मुझे मुफ्त की राजनीति ज़्यादा नज़र आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ बिजली के यूनिट्स मुफ्त करने की बात करें, क्योंकि बिजली एक भयंकर इशू भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। अगर हम एनालाइज करें लोकसभा इलेक्शंस में, बेशक यहाँ पर दोनों सीटें भाजपा के पक्ष में आई हैं, उनकी झोली में गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट्स काफी कम इस बार आए हैं, कांग्रेस की झोली में वोट्स ज्यादा जाते हुए नजर आए, वोट बैंक कम हो चुका है। तो क्या लगता है कि उसको फिल करने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या कुछ इश्यूज रहेंगे, क्या कुछ स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे बीजेपी द्वारा? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोकसभा के चुनावों में 43 टोटल विधानसभा की सीटें इसमें आती है, जिसमें पुंछ राजौरी भी, जिसको हम पीर पंजाल कहते हैं, वो भी शामिल है। 43 में से 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और 7 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 7 पर ही कांग्रेस को बढ़त है। तो हाँ, इसमें कोई दोराय नहीं है कि पोल प्रतिशत कम हुआ है और इस पर चर्चा भी की जा रही है, और जिस पोलिंग बूथ पर पोल प्रतिशत कम हुआ है उस पोलिंग बूथ पर कंसंट्रेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विनोद जी, आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, बताया जा रहा था कि मोदी, वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह, वहीं जेपी नड्डा, तमाम बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं, कश्मीर का दौरा किया जाएगा, जम्मू का दौरा किया जाएगा, पार्टी को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। तो लगता है कि इन सभी के आने से जो यहाँ पर गैप काफी ज्यादा बन चुका है बीजेपी और लोगों में, क्योंकि लोग काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर काफी ज्यादा दरकिनार करने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि हमने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा कि काफी सारे लोग जो है वो दूसरे लाइन्स की तरफ ज्यादा दिखे। तो क्या लगता है इन सभी लोगों के यहाँ पर आने से मजबूती एक बार फिर से बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मिलेगी? बिल्कुल शिपन, आपने शायद दो चुनाव नहीं देखे होंगे, डीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव जो छोटे चुनाव थे, लेकिन उन चुनावों में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी पावर झोंकी थी, हमने अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, बहुत बड़े बड़े नेताओं को आते हुए छोटी छोटी जनसभाओं को करते देखा हुआ है। तो पार्टी इलेक्शन को अच्छे से मैनेज कर लेती है और अपना प्रयत्न करती है, और इस बार भी विधानसभा के चुनावों में पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार प्रचारकों को लाया जाए और जो नाराजगी लोगों के बीच में उस राज को दूर किया। विनोद जी, क्या लगता है कि सीएम कैंडिडेट जो है वो घोषित किया जाएगा बीजेपी द्वारा, कौन सा बड़ा चेहरा आपकी नजर में? देखिए, अभी ये नहीं तय कर पाए हैं कि सीएम कैंडिडेट, क्योंकि फ्रैक्चर मैंडेट की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं कि मिली जुली सरकार बन सकती है, इसलिए पहले चीफ मिनिस्टर का चेहरा देना मुश्किल है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार यहाँ पर अपडेट कर रहे थे असेंबली इलेक्शंस के हवाले से, जहाँ पर हमने पहले कांग्रेस के हवाले से अपडेट किया, वहीं बीजेपी भी, बीजेपी द्वारा भी यहाँ पर कमर कस ली गई है, तमाम सियासी हलचलें जो है वो तेज हो चुकी हैं, और वहीं पर एक बड़ी जिम्मेदारी राम माधव को सौंपी गई है, जहां पर उन्हें भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना खरा वो अपनी जिम्मेदारी पर उतर पाएंगे और क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगी या फिर नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी भले ही विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक भी सूची जारी नहीं की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं वो टिकट के लिए अपने अपने मनपसंद विधानसभा क्षेत्र से टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे हैं। सूत्रों की अगर मानेंगे तो पूर्व मंत्री सुनील शर्मा किश्तवाड़ के बजाय पाडर विधानसभा क्षेत्र से टिकट पाने की होड़ में है। किश्तवाड़ विधानसभा में भी भाजपा के कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और दावेदारी पेश कर हाईकमान को लुभाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर की अगर खास तौर पर बात करें तो सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस, जो असेंबली इलेक्शंस है, उसका बिगुल बज चुका है। तमाम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं क्योंकि 10 सालों बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ के हवाले से बात करेंगे तो बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर की सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और खास तौर पर वहां के सबसे पसंदीदा विधायक यानी कि सुनील शर्मा, वो ये चाहते हैं कि किश्तवाड़ की सीट ना मिलते हुए उन्हें इस बार पाडर की सीट हासिल हो, पाडर की सीट से वो विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं। अगर हम किश्तवाड़ के हवाले से बात करेंगे, लोगों में काफी लोकप्रियता इनकी देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे, लोग काफी ज्यादा पसंद सुनील शर्मा को करते हैं, काफी लोकप्रियता इनकी है यहाँ पर किश्तवाड़ की लोकल जो यहाँ पर जनता है। लेकिन अगर बात करेंगे
सुनील शर्मा की, तो वो चाहते हैं कि इस बार उन्हें टिकट जो है वो पाडर सीट से हासिल हो। अब कितना ये सही साबित होगा वो देखने वाली बात होगी। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए किश्तवाड़ से अजय शान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी, आप बताइएगा, जिस तरीके से सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है क्योंकि इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, किस तरीके की हलचल किश्तवाड़ में देखने को मिल रही है? शिपुन, देखिए, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें पहला जो राउंड होगा उसमें जिला किश्तवाड़ के तीनों विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव भी होना है। तो पहले यहाँ पर दो सीट थी, एक थी किश्तवाड़, एक थी इंद्रवाल। तो सुनील शर्मा जो थे किश्तवाड़ सीट से भाजपा की तरफ से जीते थे और काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, जैसे आपने भी कहा। लेकिन जब डिलिमिटेशन हुई तो किश्तवाड़ विधानसभा को काट कर इसमें कुछ इलाके इंद्रवाल के डाल दिए गए और दो विधानसभा, एक विधानसभा नई बनी, या पाडर, किश्तवाड़ और इंद्रवाल, यानी तीन विधानसभा क्षेत्र जो है किश्तवाड़ जिला में बन गए। जो खुद सुनील शर्मा का गांव है वो पाडर विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वो भी चाहते हैं कि पाडर से ही चुनाव लड़ें। तो काफी मंथन इस पे चल रहा है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि काफी मंथन चल रहा है कि किश्तवाड़ सीट से किसको उठाया जाए। हालांकि कई दावेदार हैं जो रेगुलर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, या कुछ शहीद परिवारों के सदस्यों के नाम भी चल रहे हैं कि उनको मैदान में उतारा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है कि नया चेहरा उतारने से पार्टी के अंदर फूट पड़ सकती है और उसका नुकसान चुनाव में हो सकता है। तो सोर्सेज हमें ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस सब से बचने के लिए हो सकता है कि सुनील शर्मा को दोनों विधानसभा क्षेत्रों से लड़ाया जा सके, किश्तवाड़ और पाडर, ताकि जो पार्टी को भी बचाया जा सके, जो जनाधार उनका दोनों क्षेत्रों में है उसको बनाए रखा जा सके। अभी अंतिम फैसला सामने आना है, लेकिन संभावनाएं दोनों व्यक्त की जा रही है कि नया चेहरा भी उतारा जा सकता है, लेकिन अब भी जो ज्यादा संभावना यही है कि सुनील शर्मा को किश्तवाड़ और पाडर से दोनों से भी लड़ाया जा सकता है। देखने वाली बात होगी जब लिस्ट ऑफिशियली आउट होगी, लेकिन उम्मीदें किश्तवाड़ के लोगों को भी यही है कि सुनील शर्मा किश्तवाड़ से लड़े, वहीं पाडर की भी यही मांग है कि वो पाडर से लड़े। तो पार्टी का क्या फैसला होगा, हालांकि सुनील शर्मा भी जो सोर्सेज में बता रहे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टनर से है, लेकिन पार्टी का अंतिम फैसला होना है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा वही ग्राउंड पे दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पेच फंसा हुआ है विधानसभा क्षेत्र किश्तवाड़ को लेके फंसा हुआ है, दोनों सीटें जो पाडर और इंद्रवाल की हैं, वहां के बताया जा रहा है कि दोनों कैंडिडेट जो है तय माने जा रहे हैं, सुनील शर्मा और एक मुस्लिम चेहरा इंद्रवाल से उतारा जा रहा है, लेकिन किश्तवाड़ के लिए पेच फंसा हुआ है और आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि तस्वीर सब जो है सामने आ जाए। जी शिपुन। अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर जो किश्तवाड़ के लोग हैं, आम जनता है, वो ये चाहती है कि सुनील शर्मा जो है वो किश्तवाड़ सीट से जो है वो विधानसभा चुनाव लड़े क्योंकि काफी लोकप्रियता उनमें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ सुनील शर्मा जो है उनका इंटरेस्ट पाडर सीट की तरफ है, तो क्या लगता है किश्तवाड़ की जनता कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो सकती है? जी बिल्कुल, अंदर खाने जो चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं ना कहीं उदासीनता तो देखी जा रही है। जिस प्रकार से जो हेडक्वार्टर वाली सीट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाली सीट है, वो किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा हिंदू मेजोरिटी सीट मानी जा रही है, जिसमें नंबर भी कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ में है, इसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कैंडिडेट की सिलेक्शन सही तरीके से की जा सकती है। लोगों का भी यही मानना है कि अगर कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं दिया जाता तो अपोजिशन को एक तोहफे के तौर पर यह सीट जाएगी। तो पार्टी के पास सारे सूचनाएं हैं, क्योंकि पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है निचले स्तर, बूथ स्तर पर उनकी जो कम्युनिकेशन रहती है, तो फीडबैक पार्टी के पास भी है। और आने वाले दिनों में, समय में, अब दिनों की बात नहीं है, कुछ घंटों की बात बताई जा रही है कि फैसला इसको लेके होगा, और तस्वीर आने वाले घंटों में जरूर साफ होगी। लेकिन अभी भी पेच जो बताया जा रहा था कि पेच किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर ही फंसा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि काफी लोकप्रिय नेता सुनील शर्मा जो है वो पाडर में इंटरेस्ट ज्यादा शो कर रहे हैं, और वहीं पर अगर हम लोगों की बात करेंगे तो लोग ये चाहते हैं कि सुनील शर्मा किश्तवाड़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़े। अब अंतिम फैसला जो है वो पार्टी कैडर जो है वो डिसाइड करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी सीट सुनील शर्मा की झोली में जाएगी। इसी बीच जिला सांबा के हवाले से बात करेंगे। सांबा जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं, जहां पर सांबा में तीसरे चरण यानी कि 1 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके चलते जिला चुनाव अधिकारी राजेश शर्मा एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी आदर्श
आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट पर भी चर्चा की और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, इस पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग यहां पर जिला सांबा में हुई है, जहां पर कि अब तैयारियां जो है वो जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि थर्ड फेज में यहां पर इलेक्शंस होनी है और अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर को यहाँ पर इलेक्शंस होनी है। उसके मद्देनजर ये बड़ी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली है। क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, इस मीटिंग के हवाले से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस मीटिंग में? देखिए बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का बिगुल बज चुका है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं स्मूथ और फेयर तरीके से चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के हर एक जिला में जिस तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो सांबा जिला में भी एक रिव्यू मीटिंग जो है ये आने वाले चुनावों को लेकर ली गई है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी की तरफ से, जिसमें तमाम जिला के जो आला अधिकारी मौजूद रहे और डीसी सांबा की तरफ से तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए तमाम इस समय मॉनिटरिंग जो है वो अलग अलग इलाकों में की जा रही है। वो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की जो होने वाली मीटिंग्स की बात कर ले, रैलीज को लेकर बात कर ले, उसको लेकर बात की गई है। इसी के साथ क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है स्टाफ की, अधिकारियों की इस इलेक्शन में, उसको लेकर काम जो वो शुरू हो चुका है। और उसी के साथ साथ डीसी सांबा राजेश शर्मा जी ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसका मकसद यही है कि फेयर तरीके से स्मूथ तरीके से यहाँ पर चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। और यहाँ डीसी सांबा राजेश शर्मा जी ने तमाम सांबा जिला के लोगों से अपील भी की है कि सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज है वो हमेशा सांबा में देखने को मिली है, तो इस बार भी लोग जो वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से तीसरे चरण में चुनाव जो वो सांबा जिला में होना है, इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, सांबा, रामगढ़ और विजयपुर, तो उसको लेकर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज की है वो भी कर दी गई है, जिसको लेकर एसएसपी सांबा विनय कुमार जी से भी उनकी जो मुलाकात है वो हुई है। और तमाम मुख्य पहलुओं के ऊपर, मुख्य बिंदुओं के ऊपर जो वो बात हुई है इन चुनावों को लेकर, और उसी को लेकर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जिला सांबा में भी बिगुल जो वो बज चुका है आने वाले असेंबली चुनावों को लेकर, क्योंकि लंबे अरसे के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और इसलिए ये लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस महापर्व में हिस्सा लें और जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर की तमाम दिशा निर्देश डीसी सांबा द्वारा जारी किए गए, क्योंकि थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस में यहाँ पर असेंबली चुनाव जो है वो वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर ये बड़ी मीटिंग वहां पर हुई है। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अपनी पार्टी ने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए विशेष पैकेज का वादा किया, वहीं नौकरी और जमीन की सुरक्षा भी अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। अपनी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने वाले वादे भी यहाँ पर साफ किए। अपनी पार्टी का कहना है कि चुनाव जीतने पर वो जेलों में बंद युवाओं को रिहा करवाने के साथ साथ उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो भी जरूर वापस, जिस भी तरीके से हम आ पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। जहां तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी जमीन है उसका प्रोटेक्शन और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आरजी और कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है, ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हो चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जमीन को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये इनका हक है और यही हक वहां पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पर रहन सहन पर इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ ये कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल रजिस्ट्रेचर होता था एमएलसी, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाजायदा कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो उस तरफ से, इस तरफ से, वो दूर करने के साथ साथ बाय गवर्नमेंट भी हम इसमें
इंशाल्लाह ये तकमील तक पहुंचाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुलाजिमों का बहुत जोर है वो बुरी हालत में हो जाते हैं, जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।